उत्तर प्रदेश बलिया जिले में रेवती नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे के नेतृत्व में कई वार्डों में जाकर जनता से जनसंपर्क की आशीर्वाद लिया। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे ने बताया कि पिछले सालों में बहुत काम नगर पंचायत में करवाया है। कोरोना काल में कुछ समय के लिए विकास कार्य बाधित हो गया था, परंतु रेवती नगर पंचायत में जिले में नंबर वन विकास कार्य हुआ जो किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका में नहीं हो सका। पांडे कनक चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत रेवती मैदान में तो कितने विगत सालों में आपने कौन सा काम किए हैं ये बताने की जरूरत। पिछले 5 साल में तो काम बहुत ज्यादा किया हमने, बीज गोदाम से लेके और रेवती थाने तक सीसी सड़क का निर्माण कराया। राजेश गुप्ता जो हमारा नगर पंचायत का सीमा है वार्ड नंबर 6 में, वहाँ से लेकर बीज गोदाम तक सीसी रोड का निर्माण कराया। फिर कम से कम 3 करोड़ की लागत से हमने कूड़ा प्लांट का निर्माण कराया और लगभग 8 से 10 करोड़ के लागत से अन्य छोटी बड़े सड़कों का भी निर्माण हमने कराया है। देखिए पिछले 3 साल तक थोड़ा हम लोग परेशान रहे कोरोना, चूंकि कोरोना का पीरियड आ गया था और उसमें जैसा चाहिए विकास के लिए पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने बहुत ज़्यादा काम कराया है नगर पंचायत में। हमको लगता है कि जिले में सबसे अधिक काम इस नगर पंचायत में हुआ है, रेवती नगर पंचायत में। और थोड़ा बहुत जो कमी रह गया है निश्चित रूप से जब हम आएंगे तो उस काम को भी पूरा कराने का प्रयास रहेगा कि जो हमारी लिंक सड़कें हैं, जैसे स्टेशन रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क है वो बेकार पड़ी हुई है, उस पर काम नहीं हो पाया है। एक आध और सड़कें हैं जो लिंक रोड है उसी पे काम कराना है और अगर वो काम हो जाएगा तो हमारे नगर हमको लगता है कि हर रोड पे हम लोगों ने काम किया है। हमारा नगर पंचायत जिले में सबसे अच्छा नगर पंचायत होगा। आप लोग देखिएगा पिछले 10 साल में हमने सबसे ज़्यादा काम भी किया है और सबसे बड़ा काम तो ये है कि मैं जनता के बीच में लगातार रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और इसलिए जनता हमको पसंद करती है। और मैं यहाँ तक बता दूँ कि अगर सारे लोग एक साथ भी मिल के लड़ेंगे, जैसे पिछले बार हमको हराने के लिए सारे लोग मिल गए थे, सारे लोग अगर मिल के भी लड़ते हैं तो भी मैं चुनाव भारी अंतर से जीतूँगा। पिछले बार भी मैं प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जीत के आया था नगर पंचायत में और इस बार भी कहता हूँ कि सर्वाधिक वोट से जीत के आऊंगा। मैं रेवती की जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोगों ने देखा है 10 साल का कार्यकाल, 10 साल के कार्यकाल में जो शांति व्यवस्था और जो विकास का काम हमने किया है, अगर कहीं से भी अगर रेवती की जनता थोड़ा भी मिस्टेक करेगी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले से अराजकता थी इस नगर पंचायत में हम लोगों के आने से पहले, वही अराजकता फिर से व्याप्त हो जाएगी। इसलिए जनता से हमारी यही अपील है कि सोच समझकर काम को देखते हुए, सेवा भाव को देखते हुए अपना मतदान करें और किसी के दबाव में आकर मतदान करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कोई कितना भी दबाव बना ले, जनता तो मूड बना के बैठी हुई है और जो जनता एक बार मन में ठान लेती है वही करती है, दबाव किसी का काम नहीं करता है। हम जनता के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और निश्चित रूप से अगर हमने सही 10 साल में सही काम किया है